So guys, today I will show you how to use a fully automatic washing machine. It does not matter whether it is a front load or it is a top load. आपको सिंपली एक वाटर कनेक्शन रखना है हमेशा, जो कि आप प्लम्बर से लगवा सकते हैं, और हमेशा आपको ऑन कंडीशन पे रखना है। ये तभी इसमें से पानी खींचेगा जब ये चालू रहेगा, नहीं तो नहीं लेगा। आपको सिंपली एक पावर सप्लाई चाहिए। आपको इसमें अपने कपड़े डाल देने हैं, यहाँ पे खोल के अपना डिटर्जेंट डाल देना है, इसको बंद कर देना है, उसके बाद पावर ऑन कर देनी है। पावर ऑन करने के बाद आपको साइकिल सेलेक्ट करना है कि किस कंडीशन में आपको कपड़े वॉश करने हैं। नॉर्मल क्विक वॉश जल्दी हो जाएगा, डेलिकेट कोई कपड़े हैं अगर तो सोक प्लस नॉर्मल में पहले थोड़ी देर सोक करके रखेगा, फिर ये चलाएगा। ब्लैंकेट अगर आपको रखना है, इको टब क्लीन तब यूज़ करते हैं जब टब गंदा होता है, तो वो वॉश किट अंदर नहीं आता है। साइकिल सेलेक्ट हो गई, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर ये आपका कपड़ा मेजर करना स्टार्ट कर देगा कितना है, उसके हिसाब से वाटर ले लेगा और आपको टाइम बता देगा। वॉश करेगा पहले, फिर रिंस करेगा, फिर स्पिन करेगा। पूरा कंप्लीट होने के बाद एक टोन आएगी और आपको अपने कपड़े निकाल